विश्व बदल चुका है। अब भारत अलग थलग अकेलाया एक कोने में बैठकर अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। विश्व की आर्थिक व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं और इसलिए हम लोगों को भी उसी रूप में सोचना होगा। सरकार ने अभी कई फैसले लिए हैं, बजट में कुछ घोषणाएं की हैं और मैं विश्व को आह्वान करता हूं, विश्व में पहुंचे हुए भारतवासियों को भी आह्वान करता हूं, आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो वीजा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया। और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सम मरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए मैं निमंत्रण देता हूं।